खगड़िया जिला में एनटीपीसी और आरआरबी परीक्षा परिणाम से गुस्साए छात्रों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। मंगलवार को छात्रों ने जमकर बवाल काटा, कई जगह रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचाया तो कई जगह रेलवे की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग भी की। अभ्यर्थियों के अनुसार आरआरबी ने साल 2019 में एनटीपीसी का 35,000 पदों पर बहाली निकाला था और उसकी परीक्षा सितंबर 2021 में दी थी। जब रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें 20 गुना की जगह 11 गुना छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसके कारण 3.80 लाख छात्रों को सीबीटी 2 के वंचित रह गए हैं। एक ही छात्रों का 6 पदों पर रिजल्ट घोषित किया गया है, जबकि कोई भी छात्र एक ही पद पर बहाल होगा। इस तरह इस बहाली में भी सीट खाली रह जाएगी। वहीं छात्रों ने शुक्रवार को पूरे भारत बंद का आह्वान किया था, जो शांतिपूर्ण रूप से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, जहां मिला जुला बंद का असर देखा गया। जो गया के इमामगंज में भी छात्रों ने जुलूस निकालकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जिसमें सभी विपक्षी दलों का छात्रों को समर्थन मिला। शिक्षकों के दबाव के बाद भी नहीं माने छात्र, सड़क पर प्रदर्शन करके ही माने। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।